नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिजिटल सॉल्यूशंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर पाएंगे, जिससे कि आप सपोज़ दैट कोई भी फ्री ट्रायल यूज़ करते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया या फिर अमेज़न प्राइम हो गया, और आप उसे कैंसिल करना भूल जाते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाती हैं। उसी को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपके पास तीन ऐसे वेबसाइट को लेके आया हूँ जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्रेडिट कार्ड विथ नेम एंड CVV नंबर एंड कब एक्सपायर हो रही है वो देगा, जो कि वर्चुअल बना के देता है, जिससे आपको दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा और आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। जैसे ही आपकी मान के चलिए ट्रायल ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैं वीडियो बनाता हूँ टेक्निकल्स वीडियो रिलेटेड टू टेक्निकल इशूज़, लाइक लैपटॉप इशूज़, मोबाइल इशूज़ एंड डिजिटल मार्केटिंग, रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, क्रिप्टो करेंसी एंड शेयर स्टॉक मार्केटिंग। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मैं बना के देता रहूँ, आप देखते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गंवाए हुए। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है, जो कि नंबर वन पे मैंने रखा है, डू नॉट पे। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट आई मीन बेस्ट वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे यूज़ कर पाइएगा इसको। ठीक है, तो साइन अप करने के बाद इसमें थोड़ा सा चार्जेस वगैरह भी लगता है, आपको देना पड़ेगा। अगर आप इसको चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक और लेके आया हूँ, फ्री वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ से इस वेबसाइट पे जा कर के आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी जा कर के आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फ्री ट्रायल कार्ड पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आप जा कर के सेलेक्ट कर पाइएगा। और वेबसाइट का नाम है justuseapp.com। अब थर्ड नंबर पे जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, आई मीन वेबसाइट है जो कि जनरेट करके देता है, वो है आपका गेट क्रेडिट कार्ड इन्फो डॉट कॉम। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, इस तरह से जनरेट किया हुआ है। अब आप इंडिया में चलता है वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपीज़। ठीक है, तो हमें मास्टर कार्ड तो शायद नहीं चल रहा है अब, या फिर बंद हो जाएगा, या फिर बंद हो जाएगा, हो गया होगा। लेकिन जैसे वीज़ा कार्ड है, अब वीज़ा कार्ड के लिए हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, वीज़ा पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अब डेट फॉर्मेट क्या होता है हम लोगों का, डेटा फॉर्मेट सॉरी, तो हम लोग क्या क्या है, CSV है। ठीक है, और कार्ड नंबर कितना, 20 नंबर, 19 नंबर, जो भी होता है वो आप ले करके और उसके बाद जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये देख लीजिए, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही डाउनलोड किया आप, अब इसको ओपन कीजिए और ओपन करके आप देखिए, ये जो है ये बता रहा है कि इस कार्ड में इतने रुपए वगैरह भी हैं। ठीक है, लिमिट्स वगैरह भी बता रहा है, नेम है, कार्ड नेम, एड्रेस, दिस दैट, अगला मगलम जो भी है, जो भी सारा डिटेल्स यहाँ पे ये बता रखा है। तो आप मान के चलिए ये कार्ड नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कब एक्सपायर कर रहा है, अकाउंट में कितने बैलेंस हैं क्रेडिट कार्ड में। ठीक है, ये एड्रेस इसका क्या हो गया, CSV कोड क्या हो गया, CSV कोड एक जस्ट मोमेंट, ये रहा जस्ट मोमेंट, 3 डिजिट का CSV कोड ये रहा। ठीक है, सॉरी ये रहा, यहाँ पे 971 उस कार्ड का। तो इस तरह से आप यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वेबसाइट। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं। अगर इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर कोई गलती होती है तो भी आप हमें सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वांटिटी और क्वालिटी का वीडियो बना करके सबमिट करूँ, आपको दूँ, आप देखें और आपको हेल्प मिल सके। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो है तो कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।